सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है गिव अवे की। तो यार, गिव अवे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करनी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझने की कोशिश करोगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को गिव अवे का, हम ब्लैक जर्मन शेफर्ड की मेरे फ्रेंड के पास में एक फ़ीमेल थी, तो उसके पपीज़ हुए थे। ठीक है, तो जैसा कि वीडियो में दिखाया था, उस फीमेल के 6 पपीज़ हुए थे, जिसमें से एक पपी तो बच नहीं पाया था, बाकी 3 पपीज़ बच गए थे। तो फिर क्या मतलब, एक पपी बच नहीं पाया था और 5 पपीज़ बच गए थे। अब उन 5 पपीज़ में से 2 जो बच्चे थे वो ब्लैक थे, जिसमें एक फ़ीमेल थी और एक मेल था। ठीक है, दोनों ब्लैक थे। तो मेरा पूरा मन था कि यार हम गिव अवे करेंगे, तो ऐसा कोई टफ प्राइस भी नहीं था। नो लेटो कम, तो पूरा सोच रखा था मैंने गिव अवे का। बट एक्चुअली गाइज, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, सिचुएशन काफ़ी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है अजमेर के अंदर और ओवरऑल राजस्थान के अंदर ही। प्रॉपर एकदम लॉकडाउन वाली सिचुएशंस है, लॉकडाउन लग चुका है अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमारा निकलना भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ से जस्ट मेन रोड पर जाएंगे तो वहाँ पर हमको पुलिस वाले मिल जाते हैं। ठीक है, अब गिव अवे के लिए गाइज वीडियो बनाने जाना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि मैं वीडियोज़ भी अभी घर पर रहकर ही बना रहा हूँ, आस पड़ोस की मतलब थोड़ा बहुत वॉक करा लिया यहाँ पर घर के आसपास घर की। तो गाइज अभी जाना भी नहीं हो पा रहा। अब कई लोगों को लगेगा कि यार ये सिर्फ यूट्यूब टेक्निक्स की वजह से मैं ऐसे ही बोल दिया मैंने और गिव अवे का भी विचार नहीं था। बट गाइज सीरियसली, मैं चाहता था कि एक गिव अवे हम भी करेंगे 10,000 सब्सक्राइबर्स पे, तो मैंने इसीलिए ही वीडियो बनाई थी और मैं पूरा श्योर था कि हो जाएगा। बाकी उस टाइम पे सिचुएशन कंट्रोल में थी, बट अभी गाइज सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। अभी वो जो बंदा है उसके पास ही पपीज़, जो एक्स्ट्रा पपीज़ बचे हैं वो भी उसके सेल नहीं हो पा रहे, क्योंकि एक्चुअल में सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब ये देख लो कि आप नॉन्स लोग भी कोविड पॉजिटिव मिल रहे हैं और उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं यहाँ पे। तो ये रिस्क बहुत ही बड़ा है, एक मैं गिव अवे करूँ और ओवरऑल इंडिया से किसी एक पर्सन को चूज़ करूँ, और गारंटी है वो पर्सन आ तो पाएगा नहीं। गिव अवे अगर जीतता भी है तो वो आ नहीं पाएगा, और सिर्फ अजमेर हमारी सिटी के लिए अगर गिव अवे करते हैं तो वो भी एक गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि यार काफ़ी सारे जनों ने कमेंट्स करे थे और फिर कोई एक अजमेर का ही बंदा जीत जाता है तो उसमें कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है, और थोड़े बहुत ही लोग ऐड है मेरे अजमेर से। तो गाइज इसलिए अभी गिव अवे को हम थोड़े टाइम तक पोस्टपोन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़े टाइम के लिए गिव अवे पोस्टपोन है। अब जैसे ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी देन वी विल बैक टू आर गिव अवे। ठीक है गाइज, तो यही छोटी सी एक अनाउंसमेंट करनी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे गिव अवे से के ऊपर रिलेटेड, और काफ़ी लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं यार जो कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, कई लोगों के कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि यार मतलब बहुत अच्छे अच्छे रेगुलर वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, तो उनके नेम्स भी मुझे पता है। तो ये एक और अच्छी चीज़ है कि यार हमको पता चल रहा है कि जेन्युइनली कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और यार देखो, जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होंगे ना भाई, वो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझोगे इस बात को। सो गाइज, यही सारा था इस वीडियो से। अभी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है यार बिल्कुल भी। आप अगर चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा सकता हूँ हमारे इस पर्टिकुलर सिटी का। आप खुद जानते होंगे कि यार क्या सिचुएशन है अभी कोविड की। तो उस अंडर तो इंडिया से कोई नहीं आ पाएगा यार। अगर कोई दिल्ली का हो गया, कोई बॉम्बे का हो गया, कई मतलब कहीं का भी हो गया बंदा, कोई भी जिसने भी विन करा, तो वो आ पाएगा क्या मतलब गिव अवे लेने? ठीक है, वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए गिव अवे थोड़े से दिनों के लिए पोस्टपोन है। जैसे ही 2-3 महीने में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो हम उसके बाद में वापस गिव अवे स्टार्ट करेंगे, और हो सका तो वो पपी नहीं तो किसी और ब्रीड या फिर कुछ भी, बट गिव अवे तो ज़रूर होगा ही होगा। आज से 3 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, बट होगा ज़रूर। ठीक है गाइज, तो यही एक बात करनी थी आप लोगों से। और हाँ गाइज, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए, अगर आपके पास में पैट्स हैं तो आप उनकी वीडियोज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ये एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ कि जिसके थ्रू आपके भी पैट्स की थोड़ी बहुत लोग देखें वीडियोज़ वगैरह, तो एक छोटा सा शाउट आउट हो जाएगा आप लोगों के पैट्स के लिए। तो आप लोग अपने पैट्स की वीडियो सेंड करिए मेरे को, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर डाल रखे हैं अपने। गाइस प्लीज़ कॉल मत करना, प्लीज़ यार कॉल मत करना। आप मैसेज करके मेरे को वीडियो भेज सकते हो आपके पैट की। जो टॉप 10 वीडियोज़ होगी उनको अपन अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। वीडियो गाइस ध्यान रखना कि वर्टिकल फ्रेम पे हो, जो ऐसा मतलब वर्टिकल करके बनाते हैं ना फ़ोन को, इस तरीके से हो, जिस फ्रेम पे मैं बना रहा हूँ उस फ्रेम से होनी चाहिए वीडियो।
ठीक है गाइज, आपके पप्पी की वीडियो होनी चाहिए 30 सेकंड से लेके 1 मिनट की, और हम ओवरऑल, और लड़ाइयाँ हो गई भाई, ये लड़ाइयाँ कर ली इन दोनों ने, और हम ओवरऑल कितने मिनट की, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। तो आप सेंड शेयर करो मेरे साथ में व्हाट्सएप पे, और अपन टॉप 10 जो भी वीडियोज़ होंगी उनको अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग मेरी गिव अवे वाली बात को समझेंगे और मेरे साथ में वीडियो शेयर करेंगे आपके पपीज़ की, तो हम फिर उनको लगाएंगे, और जिनका नंबर नहीं आ पाएगा तो उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐड करके उनको शो करेंगे, और ऐसा ही हम वीकली या फिर मंथली ऐसी एक वीडियो बनाया करेंगे जिसमें आप लोगों के पैट्स को भी हम दिखाएंगे। ठीक है गाइज, तो ठीक है गाइज, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, गिव अवे की एक बात बतानी थी मेरे को, तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोग समझोगे, प्लीज़ सपोर्ट चाहिए यहाँ पर आप लोगों का। सो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।